हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अरबी के पत्तों का सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए, अरबी का पत्ता ऐसा होता है और मैंने इसे काट लिया है। काट के मैं अब इसे धो के रख लूँगी। अरबी के पत्तों में पानी नहीं ठहरता है। मैंने पहले भी एक पानी से इसे धो लिया था। अब मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। देखिए, और इसमें 1.5 चिली पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कुछ सरसों के दाने, लहसुन की कलियां ले ली है। अब मैं इसमें से थोड़े थोड़े मसाले को इसमें डाल दूंगी। सब नहीं डालूंगी, थोड़े थोड़े। थोड़ा सा देखिए, अलग से मैंने धनिया पाउडर रख लिया था। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें डाल दूंगी। नमक भी डाल दूंगी। नमक तो आपको पता ही है कि स्वाद के अनुसार डालना है। अरबी के पत्ते थोड़े काटते हैं, इसलिए इसमें एक नींबू का रस डाल दूंगी। मैंने नींबू का रस डाल दिया। तो बीजे को निकाल देते हैं, तो बीजे गिर गए हैं। अब मैं इसको इसमें मिला लूंगी। पहले मिला लूंगी अच्छी तरह से, ये पानी नहीं डालूंगी। देखिए, हमारा ऐसा बन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के इसको और अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। देखिए, ऐसे करके खूब अच्छी तरह से मिला लूंगी मैं इसे। देखिए, अब इसको मैं ऐसे ऐसे लंबाई में बना लूंगी। देखिए फ्रेंड, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा अरबी के पत्तों का सब्जी बनाते हुए। ये देखिए, इस तरह करके मैंने बना लिया। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई में पानी नीचे डाल के ऊपर से एक चलनी डाल दिया है। इसको भाप में मैं सिझा लूंगी। इसी तरह मैं अपना दूसरा भी बना लूंगी। ये देखिए, आप भी बनाइए। जिसे पत्ते लपेटने में दिक्कत होती है,
उसके लिए काफ़ी बढ़िया है ये। इस तरह करके बना लेना, ये देखिए। देखिए हमारा तीन बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे स्टीम पे पका लूंगी। जब तक हमारा पत्ता स्टीम हो रहा है तब तक मैं मसालों को पीस लेती हूँ। जो मसाले मैंने निकाले थे, लहसुन की कलियाँ, सरसों, इसका टेस्ट एकदम मछली की जैसे आती है, आपको लगेगा जैसे मैं मछली ही खा रही हूँ। धनिया पाउडर, थोड़े से पानी के साथ मैं इसकी पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा आलू का पत्ता हो चुका है स्टीम। अब मैं इसे ठंड निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए मैंने अरबी के पत्ते को इस तरह से काट लिया, ये देखिए पीस पीस में। अब मैं कढ़ाई लेती हूँ, गैस जला के कढ़ाई को रख देती हूँ और इसमें सरसों के तेल को डालती हूँ, क्योंकि अरबी के पत्तों की सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी होती है। इसको हम फ्राई करेंगे, तेल को गरम होने देती हूँ। हमारा तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल देती हूँ अब मैं इसे पलट देती हूँ। इसे ना हमें लाल करके पलना है। देखिए हमारे पत्ते हो गए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेगी स्नैक्स में। लेकिन मैं इसमें रस लगाऊंगी, मैं इसे इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं इसी तरह सभी पत्तों को भून लूंगी। अरबी के पत्ते को तल के रख लिया है। अब कढ़ाई में ज़्यादा तेल है, इसको मैं निकाल देती हूँ ताकि तलने में ज़्यादा तेल लगता है।
अब मैं इसमें सरसों के दाने को डालती हूँ। और जो मैंने मसाला निकाला था उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। हमारा राई भी चटक गया, मैं इसमें मसाले को डाल देती हूँ। और जो मसाला इसमें लगा हुआ था मैं इसको पानी डाल के इसमें डाल देती हूँ। अब मैं मसाले को भून लूंगी धीमी आंच पे, बहुत तेज आंच पे नहीं। अब हमारा मसाला हल्का भून चुका है, मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। इसे मैंने टमाटर काट के रखे थे, दो टमाटर मैंने काटे थे। और नमक, नमक स्वाद के अनुसार, आपको रस में जैसे इसमें भी मैंने नमक डाला था इसलिए देख के। अब मैं इसे ढक के पका लेती हूँ। देखिए हमारा अब टमाटर भी गल गया और मसाला भी करके भून चुका है। अब मैं इसमें एक नींबू डाल देती हूँ। एक नींबू मैंने इसमें भी डाला था क्योंकि अभी के पत्ते थोड़े काटते हैं, और एक नींबू मैं मसाले में भी डाल रही हूँ कि मुँह में इचिंग ना हो खाते समय। हमारा मसाला एकदम भून गया है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैं इसमें दो गिलास पानी डालूंगी। मैं इसे खोलने के लिए छोड़ देती हूँ। जाएगा तो मैं इसे पत्ते को इसमें डालूंगी। देखिए हमारा मसाले में बॉईल आ गया। अब मैं पत्ते को इसमें डाल दूंगी। दो मिनट तक इसे और पका लूंगी। देखिए ये हमारा हो गया
अरबी के पत्ते का सब्जी बन गया। देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है, इसको खाने से एकदम मछली की तरह लगेगा। आप लोग बनाइए, खाइए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब मैं इसे हॉट पॉट में निकाल लेती हूँ। देखिए ये देखिए ये देखिए हमारा सब्जी।